भाजपा की ओर से प्रत्याशियों के नामों पर जल्द मुहर लग सकती है। असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा ने की माने तो सभी 81 सीटों के पैनल पर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नाम पर मंथन और ग्राउंड हकीकत जानने के बाद उम्मीदवारों के नाम पर गहरा मंथन होगा और फिर एक सप्ताह के अंदर पहली सूची जारी की जा सकती है। हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगले 7 दिनों के अंदर प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। वहीं पार्टी की ओर से कल जारी किए गए मैनिफेस्टो पर जेएमएम के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हम मैनिफेस्टो में किसी का कॉपी नहीं किया है, बल्कि भाजपा शासित राज्यों में चल रही योजनाओं को हेमंत सरकार ने कॉपी कर लागू जरूर किया है। वहीं गोगो दीदी योजनाओं के माध्यम से झारखंड की माता और बहनों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश है। आज हमारे चुनाव कमेटी का बैठक होगा। हम लोग कोशिश करेगा कि 81 सीट का ही पैनल बने और एक सीट का विपरीत हमने 3-3 नामों को सिलेक्ट करना है और बाकी ऊपर जाके पार्लियामेंट्री बोर्ड सिद्धांत लेगा कि वो 3 में से कौन एक को मिला जाए या 3 का बाहर से भी किसी को लाया जाए। तो पहला जो हमारा एक प्रक्रिया होते है, रायशुमारी हो चुका है और आज हमारा चुनाव कमेटी का बैठक है। समय से थोड़ा हम लोग आगे ही जा रहा हूँ। सर, आपसे बैठक में एक अदस्त हो, आपने कहा था पहली सूची जो है, देखिए हमारे पहले लक्ष्य था कि हम थोड़े सीट पहले डिक्लेयर करें, लेकिन परिस्थितियां बदले और अभी हमारा लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों में अनाउंस कर पाऊंगा। सर, घोषणा की उम्मीद है? कल दिल्ली में भी एक बैठक है,